नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम लेकर आए आपके लिए एक बेहद ही खास शो, किडनी के सौदागर। जी हां, एक खबर जो आप सब जानते होंगे, जिसको हम सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में एक नामी गिरामी अपोलो हॉस्पिटल का नाम किडनी रैकेट से जुड़ा है। देश में किडनी बेचने का काला धंधा रुका नहीं है और पुलिस ने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से 5 लोगों को गिरफ्तार कर किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में पता चला है कि रैकेट के तार देश के तमाम बड़े शहरों के साथ ही विदेशों से भी जुड़े हैं। खास पेशकश किडनी का कारोबार में आज हम बात इसी गोरख धंधे पर करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन एशियन हॉस्पिटल। मेरे साथ आभा सिंह है, सीनियर एडवोकेट है, और मेरे सहयोगी संतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में। लेकिन उससे पहले कि हम आप सबसे बात करें, एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जरा देखिए। ₹125 करोड़ लोगों के देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें जिंदा रहने के लिए किडनी लिवर जैसे ऑर्गन की जरूरत है, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो पैसे की जरूरत के लिए ऑर्गन बेचने के लिए तैयार रहते हैं। इसका फायदा उठाते हैं असीम और डॉक्टर अमित जैसे लोग, जो ऑर्गन्स की खरीद फरोख्त कर इंसानियत पर बट्टा लगाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस धंधे में बड़े डॉक्टर्स और अस्पताल भी शामिल हैं। ताजा मामला देश के नामचीन अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ा है। जहां पुलिस ने किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अजीम नाम का शख्स किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के जरूरतमंदों को गैर कानूनी तरीके से किडनी बेचता था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स के PS भी शामिल हैं। आरोप के मुताबिक किडनी को 5 लाख रुपए में खरीद कर जरूरतमंदों को 25 लाख तक में बेचा जाता था। पुलिस ने मास्टरमाइंड असीम के साथ बिचौलिए आशु, शिकायतकर्ता देवाशीष और डॉक्टर के PS आदित्य और शैलेश को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड असीम पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है। असीम अपने दोस्त आशु के साथ मिलकर पूरे रैकेट को ऑपरेट करता था। शिकायतकर्ता देवाशीष पर कुछ दिन पहले अपनी पत्नी की किडनी बेचने का आरोप है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कानून का पालन नहीं किया गया। इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैंने बताया आपको, और अभी तक 5 लोग अरेस्ट किया है। बाकी केस की क्या इन्वॉल्वमेंट है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक रेसिपिएंट 20 से 25 लाख 30 लाख पे करता था, 3-4 लाख डोनर को मिलते थे, मिडलमैन को 2 लाख के करीब मिलते थे। खास बात यह है कि जैसे जैसे किडनी रैकेट की जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार दिल्ली के साथ साथ सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले मिल रहे हैं। अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि इस किडनी रैकेट के तार दिल्ली के अलावा पंजाब, कोयम्बटूर से लेकर श्रीलंका तक पहुंचे हुए हैं। उधर अपोलो हॉस्पिटल ने इस पर सफाई दी है। अपोलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कहा है कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। अस्पताल के मुताबिक इस रैकेट में शामिल जिन सचिव स्तर के कर्मचारियों को पकड़ा गया है, वो हॉस्पिटल के कर्मचारी नहीं है। हम पुलिस से अपील करते हैं कि वो इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सवाल यह है कि देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर कड़े कानून है, लेकिन बावजूद उसके ये काला खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।